सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स। मैं डॉक्टर अमोल उबाले, पीवीडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसका नाम है, जो टाइटल है, यूज ऑफ गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट वी लर्न टूडे। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके बारे में हम लोग जानकारी देने वाले। तो पहले जो हम लोग देखने वाले, हाउ टू क्लासरूम, ऐसे टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि गूगल क्लासरूम का। उसको क्लिक करेंगे तो ये सेम लिंक से गूगल क्लासरूम। आज हम लोग अभी इस लिंक से जरिए हम लोग गूगल क्लासरूम की तरफ जाते हैं। तो जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम में जाएंगे, आपके सामने ऐसे एक विंडोज आ जाएगी। तो जैसे ही आ जाएगी, आपके जितने भी आपने क्लास तैयार किए हैं, इन सब का डिटेल्स, या जितने भी आपने क्लास अभी तक की जो जो तैयार किए, उसके सभी डिटेल्स यहाँ हमें देखने को मिलेगी। अभी आपको करना क्या है, पहले तो हमें क्रिएट क्लास करना पड़ेगा। नाइन डॉट्स के बाजू में एक प्लस का साइन है, उस प्लस के साइन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएटिव क्लास, क्रिएट अ क्लास। तो आपको क्या करना है कि क्रिएट क्लास के ऊपर जाना है। जैसे ही आप क्रिएट क्लास की तरफ जाओगे, तो क्रिएट क्लास जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगी। अभी इस विंडो में क्या लिखा है, तो जी सूट, अगर ये आपका इंस्टीट्यूशनल जी सूट है तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से गूगल क्लासरूम के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, ये उन्होंने लिखा है। अभी हमें क्या करना है कि उसको आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंडिंग देना है आपका, क्या आपको सभी उनके जो प्राइवेसी से पर्पजेस है या सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, वो आप लोग उसको प्रोसीड करते हो और कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या एक ऑप्शन आएगा कि क्रिएट क्लासरूम, क्रिएट क्लासरूम। अब आवाज आ रही है क्या, मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? ओके, क्लास नेम हम लोग यहां डालते हैं। तो क्लास नेम जो है, एक तो कौन से स्टैंडर्ड का क्लास है, अगर आपको यहाँ डालना है तो आप सपोज आपका क्लास बीएड थर्ड सेमेस्टर का है तो थर्ड सेमेस्टर ऐसे डाल सकते हैं। सेक्शन, ये एक ऑप्शन है, इसमें कुछ लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप सेक्शन ए डाल सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, अभी ये एक सब्जेक्ट है, इसमें डालना है। ये रूम नंबर, जिस रूम पे आपका क्लास होता है वो रूम आप में लिख सकते हैं, या इधर आप डायरेक्टली, आपको अगर लिखना नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग डायरेक्टली वो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे, उसके बाद आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद थोड़ा आप रुकेंगे तो डायरेक्टली एक ऑप्शन ये आ जाएगा, जैसे आपने क्रिएट किया हुआ क्लास ये डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि गूगल क्लासरूम आपके पूरे जो भी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करता है, और फिर वो क्लासरूम का, मतलब आपको जो भी गेटवे देना है वो दे देता है। तो जैसे आप लोग क्लासरूम करोगे तो आपके पास बहुत सारे थीम्स, अगर आपको अलग चूज करनी है तो आप लोग थीम अलग अलग जो भी है चूज कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड
अगर आपको थीम चूज करनी है तो सब्जेक्ट रिलेटेड भी थीम आप चूज कर सकते हो, आर्ट्स मैथमेटिक्स साइंस के, तो कौन सी भी एक आप अच्छे से थीम सजेस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज हमने ये क्लास थीम सजेस्ट, बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्लास है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने तीन इम्पोर्टेंट बटन से, एक स्ट्रीम बटन, सेकंड क्लासरूम बटन, क्लास वर्क, थर्ड पीपल, और फोर्थ जो है वो ग्रेड। ये चार जो कीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम करते हैं। और आवाज आ रही क्या, कोई जन बताओ, क्योंकि यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है कि सॉरी वी आर हैविंग ट्रबल विद प्लेइंग। आवाज आ रही है, काइंडली रिप्लाई। हाँ ओके, थैंक यू सर, तिवारी सर, थैंक यू। ओके, अभी क्लासरूम हमारा पूरा क्रिएट हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चार कीज है, मैंने पहले बोला स्ट्रीम की, क्लास वर्क की, पीपल और ग्रेड। स्ट्रीम की जो होती है वो स्ट्रीमिंग के लिए होती है, आपके जो भी नए फीचर्स हैं, आपने जो भी नई एक्टिविटी की है उसका स्ट्रीमिंग यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। क्लास वर्क में जो भी एक्टिविटी है, क्लास वर्क जो बटन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग सभी जानकारी क्रिएट करने वाले। पीपल जो है उसमें आपको ऐड कैसे करना है वगैरह है, और ग्रेड्स। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि जैसे ही आप क्लास क्रिएट करोगे तुरंत अपने बच्चों को पहले ऐड मत करो, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन ये है कि आप पहले ही क्रिएट करोगे और आपकी गूगल अकाउंट मतलब गूगल क्लासरूम में कुछ भी जानकारी नहीं होगी, तो मतलब बच्चे मतलब शायद ऐसे हो सकता है बच्चों के ऊपर आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे आप लोग क्लास क्रिएट करोगे आपको लिखना है कि आप मैसेज देना है कि वेलकम टू ऑल। अगर आपको ज्यादा जानकारी लिखनी है आगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि मतलब आप किस क्लास में, आपका सबका वेलकम है। अगर आपको इस जगह पे अगर किसी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह देना है तो आप पिक्चर्स डाल के उन मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। और जनरली हम लोग वेलकम टू ऑल करके हमें क्या करना है कि पोस्ट करना है। अब जैसे ही पोस्ट करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि स्ट्रीमिंग में पहले आएगा कि वेलकम टू ऑल। अभी आप इससे ज्यादा और कुछ लिख सकते हैं। जैसे ये वेलकम टू ऑल आएगा तो यहाँ बच्चे कमेंट करेंगे थैंक यू सर, कमेंट के लिए नीचे है आप थैंक यू सर, जो भी मतलब आपने वेलकम मतलब आपने उनको क्लास के लिए ऐड करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे वगैरह। स्ट्रीमिंग ये हो जाने के बाद अभी नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है कि आपको आपके स्टडी मटेरियल पहले क्रिएट करके रखना है। सो हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि क्लास वर्क की तरफ आते हैं। क्लास वर्क में देखो तीन ऑप्शंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट, गूगल कैलेंडर है, क्लास ड्राइव फोल्डर। अभी क्लास ड्राइव फोल्डर जो है वो आप जी जो भी वर्क इसमें करेंगे क्लास वर्क के अंदर वो गूगल ड्राइव में आपके फोल्डर में उस क्लास के नाम के फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मतलब इन फ्यूचर आपको कहीं 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद सेम टॉपिक या सेम कंटेंट आपको पढ़ाने के लिए दिया तो आपको जरूर मतलब आपको वो स्टडी मटेरियल का आप यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए वो जो भी जानकारी वो क्लास ड्राइव में सेव रहेगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या करना है कि हमें क्रिएट बटन है, क्रिएट बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन के ऊपर का क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा असाइनमेंट्स, दूसरा कामी असाइनमेंट्स है, ये आपके पास मतलब आपके गूगल के ऊपर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कामी जो है वो गूगल एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है। इसका भी बेहतरीन तरीके से उपयोग कैसे करना है हम लोग सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सेकंड क्विज असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, मटेरियल, पोस्ट, रिपोर्ट, रीयूज पोस्ट है,
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम लोग टॉपिक के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी टॉपिक जो है वो आपको लिखना है, अभी तो हम लोग टॉपिक की जगह पे मॉड्यूल नंबर लिखते हैं, मॉड्यूल नंबर वन, ठीक है। अगर आपको नाम लिखना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजिव, ठीक है, ऐसे टॉपिक को मॉड्यूल नंबर वन ऐसे करके ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे आपका टॉपिक यहां आपको दिखाई देगा, ये मॉड्यूल नंबर वन का कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कंटेंट हो गया। अभी आपको और ज्यादा टॉपिक ऐड करने तो फिर क्रिएट नाउ बटन पे जाना है आपको टॉपिक नंबर टू। अभी यहाँ मॉड्यूल नंबर टू है आपका, टू अगर आपको लिखना है कि उस मॉड्यूल का नाम लिखना है इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंस, मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूं क्योंकि अभी आपको समझने के लिए। फिर आपको ऐड बटन करना है, जैसे आप ऐड करोगे वो जो टॉपिक है वो यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा मॉड्यूल नंबर टू में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान मेरे को कि जैसे जैसे आप लोग क्रिएट करोगे, जैसे मैंने मॉड्यूल नंबर तीन और एक ऐड करता हूं, मॉड्यूल नंबर थ्री, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कूल, ठीक है, ये तीन नंबर का टॉपिक है। अभी आपको एक देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप टॉपिक क्रिएट कर रहे हो ऐसे ऐसे आपका जो पहला टॉपिक है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉपिक हो जाते हैं जैसे जैसे आप क्रिएट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब पहले टॉपिक क्रिएट करके रखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको फायदेमंद रहेगा। सो आपको क्या करना है फिर मैं बताता हूँ, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ड्रैग एंड ड्रॉप के सिस्टम है, आप लोग कहीं पे भी आप वो टॉपिक को लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर का फिर लिया, फिर दो नंबर को उसके ऊपर ड्रैग करना है, उसको पे मतलब बटन दबा, राइट क्लिक करके बटन दबाना है और उसको ड्रैग करना है। अभी हमारा एक सिस्टम तैयार हो गया, मॉड्यूल नंबर वन हो गया, मॉड्यूल नंबर टू हो गया, मॉड्यूल नंबर थ्री, ये तीन मॉड्यूल हमारे तैयार हुए। तो हमने पहले देखा कि क्रिएट टॉपिक, पहले ये बात ध्यान में रखना है कि टॉपिक पहले क्रिएट करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपिक क्रिएट करने के बाद फिर हमें क्रिएट बटन पे जाना है। क्रिएट बटन में जाने के बाद आपको क्या करना है कि अभी हमें स्टडी मटेरियल्स देने हैं बच्चों को, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स देने। अभी स्टडी मटेरियल में मैं एक स्टडी मटेरियल पहले ओपन करता हूं, अभी स्टडी मटेरियल, अभी टाइटल आप मटेरियल के लिए दे सकते हैं कि अभी जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है तो इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये टॉपिक देना है। अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो भी आपको लिखना है उस क्लास के मतलब जो भी कंटेंट के बारे में जानकारी लिखनी है वो आपको आपको टाइप करनी है। अभी जनरली मैं रैंडमली कर रहा हूँ। अभी ये हो जाने के बाद मटेरियल आपको क्या करना है, ऐड करना है। अभी ऐड ए बटन है, ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन, चार ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल और यूट्यूब। अभी आप लोग हमें अगर गूगल ड्राइव से कुछ लेना है तो हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास जो भी मटेरियल है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अभी आप रिसेंटली जो यूज करते हैं वो दिखाई देगा गूगल ड्राइव का में, या अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड की सिस्टम है, या आप गूगल ड्राइव से, अभी माई ड्राइव से अगर कुछ आपको जानकारी लेनी है, अभी हम लोग एक फाइल लेते हैं उसको अटैच करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि
है, इसमें से हम लोग एक कंटेंट की फाइल पीडीएफ, एक फाइल कौन सी भी एक लेते हैं। ये मैंने स्टडी मटेरियल अटैच किया, जैसे ही अटैच करेंगे ये टाइटल अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अटैच किया, लेकिन हमें देखना है कि कैसे कंटेंट मटेरियल। अभी आप गूगल ड्राइव के जरिए हम लोग ऐड कर सकते हैं मटेरियल, अगर आपको किसी मतलब लिंक के जरिए करना है तो लिंक के ऊपर क्लिक करो। जैसे अभी मैं एक आपको लिंक बताता, ये स्लाइड शेयर का मेरा अकाउंट है, तो अगर आपको किसी पीपीटी या किसी कंटेंट को स्टडी मटेरियल आपको देना है तो आप उसका लिंक का इस्तेमाल करके भी आप लोग उस लिंक को वहां पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक देखते हैं, एक पीपीटी जो लाइव है हियरिंग इम्पेयरनेस की लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर हमें पीपीटी लेनी है तो उसका लिंक, उसकी लिंक हमें पहले लेनी पड़ेगी। लिंक हम लोग कॉपी करते हैं और फिर अभी हमारे क्लास में जाके फिर हमें क्या करना है, उस लिंक के इधर जिस जगह पे हमने दिया है उस जगह पे पेस्ट करें। जैसे आप लोग पेस्ट करोगे, ऐड लिंक करोगे, तो स्लाइड शेयर की जो पीपीटी है वो यहाँ हमें देखने को, हियरिंग इम्पेयरनेस कॉजेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशल नीड्स, ये कंटेंट के संबंधित पीपीटी दिखाई देती है। अभी इस तरह से आप लोग अलग अलग तरीके से फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। यूट्यूब का अगर आपको वीडियोस कुछ करना है इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड, आपको लगता है कि इसमें आप बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन या खुद का भी वीडियो होगा तो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे लर्निंग स्टाइल के ऊपर हम लोग देखते हैं कि लर्निंग स्टाइल के ऊपर कुछ है क्या मटेरियल। ठीक है, आप इसमें से कौन सा भी एक वीडियो चूज करके उनको हाँ, अभी ये लर्निंग स्टाइल का मेरा ही खुद का वीडियो है, तो अगर आपने खुद का तैयार किया होगा तो बेस्ट है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ऐटोमेटिकली ये तीन मटेरियल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं। अभी हमारे पास स्टडी मटेरियल तैयार हुआ, अभी हमें क्या करना है कि बच्चों को क्या करना है, पहले क्या करना है कि उस स्टडी मटेरियल को पोस्ट करना है। अभी मैं जूम करता हूँ थोड़ा, इस जगह पे जाते राइट कॉर्नर में दो ऑप्शन है, सेव्ड पोस्ट, पोस्ट के बाजू में एक एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शेड्यूल है। आप ये जो मटेरियल है कब बच्चों को देना है या कब शेड्यूल बना सकते हैं, इसके ऊपर शेड्यूल को क्लिक करेंगे तो आपके पास शेड्यूल आएगा कि कौन से तारीख को कितने बजे ये मटेरियल उन बच्चों के लिए हम लोगों को देना है। तो शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे सपोज 20 तारीख को मैंने किया और मैंने यहाँ असाइन कर दिया कि 5 PM। ठीक है, तो शेड्यूल बना सकते हैं 5 PM से, तो जो भी मटेरियल बन जाएगा वो 5 PM से उन बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ जानबूझ के गलती की है कि मेरे पास, मैंने क्या किया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन का शेड्यूल बनाया था, पर शेड्यूल बनाते समय मैंने क्या किया था कि किसको असाइन किया, कौन से कंटेंट में किया, ये नहीं। तो अगर गलती से अगर आपका ये हो जाता है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ बटन पे एडिट करना पड़ेगा। फिर एडिट करने के बाद सेम मटेरियल आपका दिखाई देगा, आपको फिर शेड्यूल आपने तो किया है लेकिन आपको, आपने किसको असाइन करके नहीं रखा है। तो यहाँ आपको ऑल स्टूडेंट्स को करना है तो ऑल स्टूडेंट्स करना है। अभी तो एनरोलमेंट बच्चे नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसको मतलब असाइनमेंट देनी है। तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि कौन से बच्चों को असाइनमेंट दे, वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ टॉपिक आएगा तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक के अंडर ये मटेरियल है, तो यहाँ मॉड्यूल के नाम आएंगे, आप कौन से मॉड्यूल के अंदर ये मटेरियल बच्चों को देना चाहते हैं, तो यहाँ मॉड्यूल नंबर 1 आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से मॉड्यूल के अंदर ये मटेरियल जाएगा। और जैसे आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी ये जो मटेरियल था, पूरा जो मटेरियल था इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो पहले पहले जो था ये ऊपर आया था, स्ट्रीमिंग में गया था, अभी ये मटेरियल मॉड्यूल 1 के अंदर है। फिर हम लोग देखते हैं कि सचमुच मॉड्यूल 1 के अंदर आया है क्या, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन इस मटेरियल के अंदर ये सभी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ये सब हो जाने के बाद, ये सब जानकारी मतलब आपके पास हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि बच्चों को अभी असाइन करना है। तो बच्चों का असाइन कैसे करना है, मैंने पहले बोला है कि बच्चों को असाइन करने के दो प्रकार हैं।
जैसे आप लोग बच्चों को बोलना है कि गूगल क्लासरूम इस link.com के ऊपर जाओ, और क्या करो कि उस जगह पे जो प्लस साइन है, उस जगह पे जो प्लस साइन है उसकी वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस साइन के ऊपर ज्वाइन क्लास नाम का एक बटन था, मैंने पहले बोला था क्रिएट क्लास और विथ ज्वाइन क्लास, सो ज्वाइन क्लास की तरफ क्लिक करके आपको क्या करना है, ये क्लास कोड डालना है। अब अभी जितने भी ऑनलाइन जो भी है उन्होंने क्या करना है, इस ये जो मेरा क्लास कोड है आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उस क्लास कोड को एंटर करके मतलब करना है, ताकि हमें पता चले कि मतलब सचमुच मतलब कैसे इंटर किया जा सकता है। जो भी ऑनलाइन इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो कि आप ये जो मैंने कोड दिया है उसको एंटर करो, और वो एंटर करके आप क्या करो कि उस क्लास में पार्टिसिपेट हो जाओ। सभी के लिए मतलब ये ऑप्शन है, आप लोग जो जो देख रहे हैं उन्होंने googleclassroom.com की तरफ जाना है। गूगल क्लासरूम में जाके फिर आपको क्या करना है कि ये कोड वर्ड को ज्वाइन क्लास के इसमें जाके पेस्ट करना है या टेक्स्ट करना है वहां। हम लोग देखते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं, मतलब कितने लोग स्टूडेंट्स एनरोल हो गए ये भी हमें पता चल सकता है। तो अभी तक तो एक भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जो की है वो दिखाता हूँ, तो कि आप ज्वाइन हो सकते हो। ये जो की है वो कोड वर्ड जो की है वो डालना है, और आपको उससे मतलब एनरोल करना है। मिनट हम लोग वेट करते हैं कोई मतलब एनरोल करने के लिए। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्होंने एक तो ये जो क्लास कोड है इसको मैं फिर एक बार ये जो कोड है वो कॉपी करके जो टेक्स्ट है अपना जो लाइव चल रहा है उसमें मैं कमेंट बॉक्स में ये कोड डालता हूँ। आपको वो कोड क्या करना है, कोड का इस्तेमाल आपको करना है और फिर इस क्लास को ज्वाइन होना है। मैं सब मैं जो भी सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोड का इस्तेमाल करो और फिर इस क्लास में एनरोल आपको होना है। हम लोग 1 मिनट तक वेट करते हैं, क्योंकि ये जब तक ऐड नहीं होंगे तब तक आगे की जो मुझे बताना है वो हाँ समझ में नहीं आएगा। मैंने टेक्स्ट किया है आपको, आप जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे आपका या हाँ अभी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक ऐड हुई है, कविता हिवरकर जैसे, और भी बहुत सारे जो भी सुन रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि इस कोड वर्ड का मतलब जो लाइव से लाइव में जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में मैंने डाला है उसके द्वारा। अभी यहाँ देखो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एनरोलमेंट जो हमने कोड दिया है उसके जरिए हो सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि सपोज ये जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन भी है स्टूडेंट्स को क्लिक करके हम लोग एक तो उसको ईमेल कर सकते हैं कि तुम्हारा जो भी काम चल रहा है तुम असाइनमेंट्स प्रॉपर दे नहीं रही हो, जो भी है पर्सनली अगर रिमूव करना है कोई अनवांटेड जो ज्वाइन हुआ है तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, या कुछ हद तक उनको म्यूट करके रखना है तो भी कर सकते हैं। तो ऐसे एनरोल दो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तीन स्टूडेंट्स ऐड, जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ आपकी जो अभी मैं जिस जगह पे डार्क कर वो जो स्टूडेंट्स क्या है वो उनकी मतलब जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। अभी आपको लगता है कि आपके ही सब्जेक्ट को एक से ज्यादा टीचर काम कर रहे हैं, या जो भी दो दो मॉडल दो टीचर्स में आपने डिवाइड करके लिए, तो आपको यहाँ भी ऑप्शन है कहीं कि इनवाइट टीचर्स, आप ईमेल के जरिए प्रॉपर अगर आपके पास ईमेल आईडी होगा तो आप ईमेल आईडी डाल के डायरेक्टली उनका मतलब ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे सपोज अभी हमारे इंस्टीट्यूशन के सपोज टीचर को मुझे इनवाइट करना है तो मैं डायरेक्टली उनको इनवाइट कर सकता हूँ। सपोज मुझे अगर
टीचर को जी मतलब एक बाहर के इंस्टीट्यूशन के टीचर को भी इनवाइट करना है, तो मैं यहाँ से उनका ईमेल आईडी डाल के मैं वहां उनको इनवाइट कर सकता हूँ। सपोज अभी बाहर के टीचर्स को भी मैं इनविटेशन भेजता हूँ, जैसे मैंने इनवाइट किया ये तो मतलब जैसे हम लोग टीचर को इनवाइट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो टीचर जब तक उनको ईमेल जाएगा और ईमेल के बाद ही वो एनरोल, उन्होंने यस बोला एक्सेप्ट किया तो ही वो हमारे को टीचर बन सकते हैं। मैंने जय पहले ही बोला था कि गूगल क्लासरूम जो है वो कोलेबरेटिव वर्क करने के लिए सबसे बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इस जगह पे क्या है कि कोलेबरेटिव टीचर्स भी हो सकते हैं और कोलेबरेटिव स्टूडेंट्स भी हो। अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें एनरोल हमने किए। ये सब हो जाने के बाद अभी हमारा एनरोलमेंट हुआ, क्लास वर्क हमने तैयार किया, मॉडल्स हमारे तैयार हुए हैं, अभी पीपल्स हमें टीचर्स हमने ऐड किए, स्टूडेंट्स हमने ऐड किए, स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं तो हमें क्या करना है कि ये जो गियर बटन है मेरे राइट साइड पे जो 9 डॉट्स है उसके बाजू में जो गियर बटन है उसको हमें पहले क्लिक करना है, क्योंकि कुछ सेटिंग जो होती है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम करेंगे तो बेहतरीन हो सकता है। ये जब बेसिक जानकारी है, आप इस जगह पे जाके भी आपने एक तो क्या किया था कि हमने क्या किया था कि डिस्प्ले किया था, अभी लाइव सेशन सेक्शन चल रहा है तो हो सकता है कि आपका वो किसी ने मतलब ये जो कोड है वो किसी ने देखा होगा या इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो बच्चों को फिर डिसेबल करना है तो डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ है, कॉपी करके पेस्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिसेट करना है तो कोड रिसेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अनवांटेड पीपल्स एंटर कर रहे हैं आपके क्लास में, जो जिनको जिनको इस क्लास के नहीं है, क्लास के बाहर के भी लोग आ रहे हैं, तो आप रिसेट कर सकते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहे। पर रिसेट करने के कारण प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपने बहुत सारे लोगों को अगर ईमेल के द्वारा बताया होगा कि ये हमारा कोड से आपको एनरोल करना है और उस जो भी व्यक्ति होगी उसके पास सपोज इंटरनेट की फैसिलिटी उस समय नहीं रही है, लेकिन जब रहेगी और वो उससे एनरोल करेगी तो वो नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि रिसेट करते समय क्लास को डिजेबल करके ही करना है। और दूसरा क्या है कि इस कोड को क्या करना है, डिजेबल करना है। जैसे आप डिजेबल करोगे तब इसके बाद जो है वो कोई एनरोलमेंट इस क्लास में नहीं होगा, या डिजेबल करने के बाद क्या हो सकता है कि जो भी क्लास कोड सबको दिखा है वो दिख नहीं सकता। बेस्ट ऑप्शन डिजेबल करो, या एक तो क्या करो कि डिजेबल करने से ज्यादा अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग रिसेट भी कर सकते हो। ठीक है, एक आपने देखा होगा कि डिजेबल करने के बाद अभी हमारे पास क्या आ गया है कि नया कोड आया है, क्योंकि डिजेबल हमने किया था तो अभी ये नया कोड हमें मिल गया। अभी जो भी एनरोलमेंट करना चाहती है अभी तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर कॉपी करके फिर मुझे लाइव सेक्शन में जाके ये जो नया जो मैंने ये दिया है कोड जो तैयार किया है वो इसके द्वारा ही वो अभी एंटर कर सकते हैं। अगर ये कोड उन्होंने पहले वाला डाला तो अभी वो एनरोलमेंट नहीं कर सकते। अभी हम लोग देख सकते हैं कि कितने पीपल ऐड हुए हैं, जो भी ऐड हुए होंगे वो उनको वो इसी कोड से किया होगा, अभी नया कोड क्रिएट हुआ। अभी ये बात ध्यान में रखना है कि स्ट्रीमिंग करते समय ये बात ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। स्ट्रीमिंग ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले है, मतलब जैसे हमारा मूवीज रिलीज होने के पहले क्या किया जाता है कि ट्रेलर दिया जाता है, तो जो जो क्रिए मतलब जो जो मेन थीम जो है या जो जो वर्क चल रहा है वो स्ट्रीमिंग करने का काम जो है स्ट्रीम बटन में किया जाता है। तो अगर आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन है कि स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट्स, अगर आपको स्ट्रीमिंग में स्टूडेंट्स आपके पोस्ट कमेंट करें या पोस्ट करें तो आपको ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं, क्या तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं, या ऑप्शन रखना है तो रख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट तो ओनली कमेंट, ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट, ये उसमें से जो आपको लगता है वो स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट में रखता हूँ, तो स्टूडेंट्स टीचर ने जो भी दिया है वो कमेंट सी उनके ऊपर कर सकते हैं। क्लास वर्क ऑफ द स्ट्रीम, इसमें अगर जाएंगे तो 3 ऑप्शन है, शो अटैचमेंट एंड डिटेल, शो कंसिडर हाइड हाइड नोटिफिकेशन। अभी क्लास में जो भी स्ट्रीमिंग चल रहा है ये हाइड रखनी है, मतलब बच्चों को शो करनी है, अटैचमेंट दिखाना ये आपके ऊपर है। शो
कंडेंस्ड नोटिफिकेशन रखो इसमें, शो डिटेल्ड आइटम ओनली टीचर। अभी तो हमने क्या किया कि ओनली टीचर कैन व्यू डिलीटेड आइटम। अभी जो भी डिलीट हम लोग करते हैं जानकारी, वो बच्चों को दिखती है कभी कभी, और इसका ये हो जाता है कि डिलीटेड मतलब कुछ अनवांटेड आपको लगता है कि आपने फाइल गलती से कुछ मतलब चेंज देखा है या गलती से अटैच किए हैं और आपको लगता है कि वो जानकारी अभी डिलीट करनी, तो डिलीट आपने किया होगा फिर भी वो क्या होता है कि बच्चों को दिखाई देती है क्योंकि आपने वो मटेरियल में ऐड की होती, तो शायद ऐसे हो सकता है। तो आपके ऊपर है कि शो डिलीट ओनली टीचर कैन व्यू डिलीटेड आइटम, ये ऑप्शन रखो, तो डिलीटेड जो भी आपने डिलीट किया है वो आपको ही सिर्फ दिखाई देगा। अभी ग्रेडिंग सिस्टम कैसे आपको रखनी है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में भी एक दो तीन ऑप्शन है, टोटल पॉइंट्स, वेटेज बाय कैटेगरी, नो ओवरऑल ग्रेड। अभी यहाँ क्या है कि आपको क्या है कि नो ग्रेड आपने वेटेज बाय कैटेगरी लिखो क्योंकि उस जो भी आप वेटेज देंगे जिस भी कंटेंट को या जो भी असेसमेंट को, तो वो वेटेज वाइज उसका इवेल्यूशन हो जाएगा। शो ओवरऑल ग्रेड टू द स्टूडेंट्स, अभी ग्रेड कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं कौन कौन से, मतलब कैटेगरी, मतलब जैसे ग्रेड कैटेगरी में आपको सपोज लिखना है कि ओरल को, सपोज आपको लिखना है कि ओरल टेस्ट, ओरल को आपको 100 में से आपको लगता है कि ओरल को 20% मार्क देने, तो 20 आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिटन टेस्ट को आपको वेटेज देना है आपके मतलब जो भी असाइनमेंट जो भी आप देने वाले, तो 60% अगर आपको देना है तो अटैचमेंट, तो जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे कि रिमेनिंग 20% लिखा है, तो यहाँ आप लोग प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल को भी आप आराम से वेटेज दे सकते हैं कि 20 आपको जो रिमेनिंग है। तो ऐसे आप वेटेज ग्रेड कैटेगरी में दे सकते हैं कि कौन से बातों को आपको कौन सी ग्रेड यहाँ देनी है। ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि शो ओवरऑल ग्रेड टू द स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी जो भी ग्रेड दी है वो बच्चों को दिखानी है, मतलब देखनी चाहिए या दिखनी नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये बात ध्यान में रखो, आपकी जो भी ग्रेड होगी वो बच्चों को दिखनी चाहिए, तो ही उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब वही इम्प्रूवमेंट कर सकते, तो ये ऑप्शन हमेशा चालू रखना है, शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट्स, और ये सब हो जाने के बाद उसको सेव करना है। जब तक आप सेव नहीं करोगे ये सभी जानकारी सेव मतलब कुछ काम की नहीं रही। अभी हम लोग देखते हैं कि 9 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया है, साथ ही साथ मैंने को टीचर को भी मतलब इनविटेशन भेजे हैं, तो जब भी वो एक्सेप्ट करेंगे उनका नाम डार्क मोड में दिखाई देगा। अभी फिर हम लोग क्लास वर्क की तरफ जाते हैं। अभी क्लास वर्क में फिर एक हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब अलग अलग जो फंक्शन है, असाइनमेंट्स कैसे देनी है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे देनी। जैसे आप लोग क्लिक करोगे असाइनमेंट्स के ऊपर, तो हम लोग देखते हैं कि केस नंबर 1, और यहां हम लोग देते हैं कि डिस्कस द केस, ठीक है, हमने एक लिखा कि डिस्कस द केस एंड गिव फीडबैक, यह मैंने असाइनमेंट तैयार की केस नंबर 1, ये असाइनमेंट। अभी असाइनमेंट देते समय एक तो केस 1 लिखो, केस 2 लिखो, या असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको कोई मटेरियल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं उससे संबंधित, जैसे मैंने पहले बोला था, तो आप ऐड भी कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, ये केस उनको बच्चों को देनी, सपोज मैंने एक फाइल अटैच करता हूँ ताकि मतलब बच्चों को उस केस के बारे में मतलब जो केस है वो जानकारी उन्हें पढ़ने को मिले। माई ड्राइव में से फिर एक बार मैं एक फाइल लेता हूँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है। अब आवाज वगैरह अगर परफेक्ट आ रही है तो आप बता सकते हैं चैट सेक्शन में। तो अभी मैं फिर एक बार कुछ जो भी कंटेंट है उसमें से एक कंटेंट को मैं लेता हूँ। ओके, ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक बुक लिखता हूँ।
अभी ये इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, मार्क कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, ये आपके ऊपर है। आप जो भी जैसे आपने वर्ड फाइल कोई दी होगी तो स्टूडेंट कैन एडिट फाइल आएगा। ये भी एडिट इस गूगल क्लासरूम की खासियत देखता हूँ मैं, बताता हूँ, पीडीएफ भी वो एडिट कर सकते हैं, मार्क कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, ये भी मेक अ कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल ऐसे लिखो क्योंकि वो इस केस को सपोज पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो राइट साइड में जो भी जानकारी वो इम्पोर्टेंट, पहले बीएड सेमेस्टर क्लास है, अगर आपको ये असाइनमेंट सेम एट ए टाइम बहुत सारे क्लास को देनी है, जैसे अभी मैंने ये बीएड फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का क्लास है इसको मुझे देनी है, मतलब एचआरडीसी इंदौर के क्लास को देनी है, एसएनडीटी के बीए, जितने भी आपने क्लास क्रिएट किया सेम असेसमेंट आप एट ए टाइम सभी जो भी आपके जितने भी क्लासरूम्स है आपने क्रिएट किए उसको दे सकते हैं। सपोज मैंने एसएनडीटी ये क्लास के ऊपर मैंने मतलब सिलेक्ट किया, क्लास 2 सिलेक्ट मैंने किए। अभी यहाँ ऑप्शन एक ये है कि कैटेगरी ग्रेड कैटेगरी, नो कैटेगरी अगर आपने लिखा होगा तो इसका एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कैटेगरी जो है वो हमेशा लिखनी है, जैसे आपने अनग्रेडेड अगर लिखा, अनग्रेडेड लिखा तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो असाइनमेंट्स दिए हैं वो बच्चों के लिए कुछ मतलब उसके मार्क पकड़े नहीं जाते, तो बच्चे मन लगा कि उसको पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अनग्रेडेड की जगह पे हमें क्या करना है कि यहाँ 100 मार्क का पॉइंट्स रखने हैं, तो 100 मार्क के पॉइंट रख सकते हैं। ग्रेड कैटेगरी अगर आपको चूज करनी है तो जैसे आपने ग्रेड कैटेगरी जो तैयार किए थ्योरी प्रैक्टिकल, तो कैटेगरीज आप डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। अभी ये ड्यू डेट है, आपको यहाँ लिखना है कि कौन से ड्यू डेट तक ये सभी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सपोज मैंने लिखा कि 21 तारीख को मुझे ये, टाइम भी आप लिख सकते हैं 11 बजे तक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। जैसे आप लोग ये ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक, टॉपिक कौन से टॉपिक के अंडर आपको देनी है, तो मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल नंबर 1 के अंडर मुझे देनी है ये असाइनमेंट, तो आप मॉड्यूल नंबर 1 के अंडर आप लोग ये असाइनमेंट दे सकते हो। मैं एक ही क्लास एट है मतलब रखता हूँ क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 की तरफ ही बढ़ते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1 के लिए आप लोग क्या किया, हमने ये पूरा असाइनमेंट तैयार किया। असाइनमेंट तैयार करने के बाद आपको अगर शेड्यूल करना है तो कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट अगर आपको सेव करके रखना है बाद में आपको देनी है तो बाद में दे सकते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर। आप अभी हमें क्या करना है कि असाइन करके देना है क्योंकि देखना है हमें कि कैसे एक्चुअली असाइनमेंट्स का मतलब रिमार्क मिलता है, तो मैंने ये असाइन कर दिया। जैसे आप लोग असाइन करेंगे नो ग्रेड कैटेगरी सिलेक्ट ऐसा एक ऑप्शन आए, अगर आपको ग्रेड नहीं रखनी है तो आप लोग मार्क के थ्रू अगर रखनी है तो हम लोग असाइन बोलते हैं, ठीक है। असाइन होने के बाद प्रॉपर ये जो असाइनमेंट्स मैंने दी थी वो यहाँ आ गई, देखो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर केस, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पहले तो 9 9 स्टूडेंट्स इसके लिए ऐड हुए, 9 स्टूडेंट्स को ये मिली है, उसमें से किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है, तो कोई मैं जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स या टीचर्स जो है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने क्या करना है इसको ओपन करके एक बार देखना है इस असाइनमेंट्स को, तो फिर हमें पता चलेगा कि कैसे किस तरह से मतलब बदलाव आ सकते हैं। सिर्फ आपको इसको असाइन करके देखनी है, हाँ ये देख ये फाइल देखनी है और उसको क्या करना है कि उसको रिप्लाई देना है, कुछ अटैच आप कर सकते हो, आपके पास अगर कोई फाइल होगी तो उसको अटैच करके आपको क्या करना है उसका रिप्लाई देना है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लाइव सुन रहे होंगे उन्होंने क्या करना है, सिर्फ ये जो केस 1 जो असाइनमेंट दिए उसको क्लिक करना है ऐसे, और फिर आपको क्या करना है जो भी असाइनमेंट है इसको ओपन करना है, ठीक है, इस तरह से आपको ओपन करना है इसे।
जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्होंने ये बात ध्यान में रखना है कि मॉड्यूल नंबर वन में जाना है। मॉड्यूल नंबर वन में आप जाएंगे तो आपको केस नंबर वन दिखाई देगी, या आपको ये सेम जानकारी आपको क्या कर सकते हैं आप लोग स्ट्रीमिंग में भी जाके आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग में जाके आपको ये सब जानकारी मिल सकती है। आप स्ट्रीमिंग के ऑप्शन में भी जाके ये यहाँ केस आपको दिखाई देगी। एक तो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी तो आप क्लास वर्क में जाके आपको क्या करना है आसानी। अभी देखो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देख मतलब जो भी देख रहे होंगे उन्होंने सिर्फ उसको ओपन करना है, तो हमें एक दिखाने में एक मतलब मुझे ये दिखाना है कि आपको कि असाइन जिनको हुआ है उन्होंने अगर देखा है इस असाइनमेंट को तो उसमें क्या मतलब बदलाव इस सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे 9 लोगों को मैंने असाइन किया है, जैसे ही इसको ओपन करके रखेंगे या उसके ऊपर वो क्लिक करेंगे या उससे कुछ अटैचमेंट करेंगे तो इसमें टर्न इन की जगह पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे ही ओपन कर मतलब जो होगा तो ये टर्न इन का जो है वो बदल इसमें दिखाई देगा। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ओपन करके देखो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट सामने दे दिए, उसका ग्रेडेशन कैसे करना है तो फिर मैं बताता हूँ कि असाइन जो है उनको यहाँ क्लिक करना है। अभी मैंने 9 लोगों का असाइन किए, इसमें से किसी ने भी कुछ देखा नहीं है या कोई भी उसके लिए रिप्लाई कौन सी भी फाइल अटैच नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर टर्न इन एक व्यक्ति ने क्या किया है कि उसको देखा है। अभी उसको मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कविता हिवरकर मैडम को कि वो एक फाइल उसको अटैच करें, उसको रिप्लाई दे दें। तो फिर मतलब अभी एक देख सकते हैं कि टर्न इन 9 में से एक मतलब जो स्टूडेंट है उसने क्या किया है कि इसको इस असाइनमेंट्स को देखा है, ठीक है। मतलब फिर बाकी कितने बचे 8, तो 8 लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर एक बार अगर उनको ईमेल करना है तो हम लोग यहाँ जाके ईमेल कर सकते हैं कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो उसकी ड्यू डेट कल है और फिर इमिजिएटली आपको क्या करना है कि भरना है। तो यहाँ जाके हम लोग ईमेल करेंगे तो फिर एक बार इन सभी लोगों को जिन्होंने उस असाइनमेंट को नहीं देखा है उन सभी को क्या कर सकते हैं कि ये सभी जो है वो क्या है कि उनको फिर एक बार रिमाइंडर जाएगा। और जैसे ही वो ओपन करेंगे फिर यहाँ जो टर्न इन की जो मतलब एक की जगह पे 2, 3, 4, 5, 8 के 8 आ जाएंगे। फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब चेंजेस दिखाई देते हैं। यहाँ आप क्लास वर्क में जाएंगे, फिर आपके केस इस सेक्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ असाइनमेंट मिल सकते हैं। अभी टर्न इन की जगह पे जाएंगे और अगर जैसे अभी तो जिन्होंने देखा है उन्होंने कुछ अटैचमेंट नहीं किया, अगर कुछ अटैच अगर किया होता, अगर कुछ अटैच किया होता तो डेफिनेटली क्या हो सकता था कि इस जगह पे क्या है कि हमें देखने को ये मिलता कि अटैचमेंट फाइल दिखाई देती है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अटैच कोई मतलब ये जो केस नंबर वन है इसको आप कुछ अटैच करके रखेंगे तो मतलब जो भी एनरोल हुए उन्होंने एक फाइल भी अटैच किया तो और ज्यादा मतलब बेहतरीन हो सकता है कि दिखा सकते हैं कि हम लोग कैसे, ठीक है। अगर सपोज आप मतलब जिन्होंने भी देखा है और असाइन किया है उन्होंने कुछ रिप्लाई दिए, अगर आपको ग्रेड देना है तो आप मैन्युअली दे सकते हैं यहाँ इस जगह पे जाके। जैसे हिना सैयद नाम की है तो उनको अगर ग्रेड देना है तो हम लोग यहाँ ग्रेड दे सकते हैं, सपोज 100 out of 90 देनी तो यहाँ 19 हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोग 19 देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इद्रिसी तबस्सुम को आप हमें देने हैं तो सपोज 95 तो ऐसे हम लोग 95 उनको दे सकते हैं। कविता इवरकर को मुझे कुछ मार्क देने तो फिर 98 हम लोग दे सकते हैं। अभी देखो ये मैंने मार्क दिए, अभी हम लोग फिर एक बार देखते हैं क्योंकि ये जो इन्होंने जो ऐड किया है ये हमें अटैचमेंट देखने को मिल सकती है। फिर एक बार हम लोग स्टूडेंट्स वर्क में जाते हैं, जैसे कविता इवरकर ये सभी स्टूडेंट्स का हम लोग देखते हैं। देखो अभी देख सकते हैं सभी स्टूडेंट ने कुछ अटैचमेंट नहीं किया लेकिन ये स्टूडेंट ने अभी क्या किया कि उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके भेजे। जैसे ये कंप्लीट करके देखा होगा तो यहाँ देखो एक छोटा सा ब्लू कलर एक पेज आया है, इससे हमें पता चलता है कि उसने कुछ तो अटैच किया है। पीडीएफ की होगी तो ये जो ब्लू डॉट ब्लू जो दिखाई दे रहा है वो रेड दिखाई देगा। अभी वर्ड फाइल दी है तो इसलिए ब्लू आया है,
पीडीएफ होती है तो रेड कलर से आता है, तो हमें क्या करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी पहले तो एक बात ध्यान में रखनी कि टीचर ने पहले क्या करना है कि जो भी असाइनमेंट्स है उसको ऐसे एक विंडोज में ओपन होगी। अभी एक हमारे सामने ये उसकी जो असाइनमेंट्स उसने सबमिट की थी वो अटैचमेंट हमें मिल गई। अभी यहाँ ऑलरेडी अभी पहले मार्क जो थे वो हमने पहले दिए थे इसलिए 98 आए हैं। या हम लोग पहले अगर मतलब क्योंकि रिप्लाई नहीं आया था इसलिए मैंने 98 दिए थे। अभी जैसे आपने 0 मार्क वहां दिए ही नहीं होंगे तो पहले यहाँ आएगा कि ये फाइल आएगी। अभी ये फाइल उसने जो भी है वो उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उसको एक तो ग्रेड कर सकते हैं, मार्क दे सकते हैं, कितने मार्क देने हैं वगैरह। अगर आपको लगता है कि कुछ ये जो पॉवर्टी के बारे में जो भी ये जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत दी है या उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप उसको यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे ऐड ए कमेंट नाम का एक ऑप्शन है, इस जगह पे जाके आप उनको क्या कर सकते हैं कि हाईलाइट कराने। ठीक है, तो इस जगह पे जाके आपको क्या करना है, अभी ये पूरे इमेज फाइल है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इमेज फाइल नहीं होगी, सपोज ये देखो अभी ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इस जगह पे जाके हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पॉइंट आएगा ऐड अ कमेंट, तो हम ऐड अ कमेंट कर सकते हैं कि रीराइट करो, ये कमेंट दे सकते हैं कि आपको क्या करना है कि ये जो जानकारी आपने लिखी वो रीराइट करो, या आप यहाँ फिर कमेंट में जाके आप ये मतलब टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप लोग उनको कमेंट कर सकते हैं कि अभी एक्चुअली ये वर्ड फाइल है लेकिन फोटोज ऐड की है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्स्ट जब हो जाता है टेक्स्ट वो या जो भी टेक्स्ट है तो उसको हम लोग कमेंट दे सकते हैं। फिर हम लोग इसको ही कमेंट करते हैं क्योंकि यही टेक्स्ट लिखा है। जैसे आप लोग कमेंट की तरफ बढ़ोगे तब आपको क्या करना है, यहाँ आप लोग 2 3 4 कमेंट दे सकते हैं, गुड, वेरी गुड, गुड, आपने अच्छी तरह से ट्राई किया वगैरह। क्योंकि अभी ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें जितने भी जानकारी दी है वो टेक्स्ट नहीं है, वो जेपीजी फाइल में है इसलिए ये प्रॉब्लम। तो आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपने कुछ कमेंट किया है कि रिराइट किया है और रिराइट करके उन्होंने लिखा होगा तो रिजॉल्व यहाँ आएगा कि आपने जो भी कमेंट दी थी वो इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। आप एक ऑप्शन ये है कि कमेंट आप एट ए टाइम मतलब फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के जरिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ग्रेड आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड आपको देने है तो आप 100 out of 98 marks दे सकते हैं या इस जगह पे। उस व्यक्ति को आपको कुछ प्राइवेटली कमेंट करना है क्योंकि ये तो प्राइवेटली कुछ कमेंट करनी है तो एक ऑप्शन है कि सपोज वेरी गुड मुझे अगर देनी है तो ये प्राइवेटली कमेंट मैं पोस्ट कर सकता हूँ। अगर उनसे कुछ रिप्लाई आता है, सपोज मैंने कुछ करेक्शंस बताए होंगे तो प्राइवेटली कमेंट जो भी है वो उनके कमेंट से आएगी। इस जगह पे एक ऑप्शन है कमेंट बैंक, जो भी ट्रांजेक्शन कमेंट बॉक्स में होंगे जैसे मैंने देखो एक्सलेंट, ग्रेट, प्लीज पुट दिस इंफॉर्मेशन इन मेन ड्राइंग पेज वगैरह, जो भी जितने भी मैंने कमेंट किए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट बैंक में हमें देखने को मिलते हैं। ये सब होने के बाद असाइनमेंट 98 marks देने के बाद आपको क्या करना है कि रिटर्न करने, रिटर्न मतलब क्या है कि कविता हिवरकर को जो भी है उनको क्या करें मतलब रिटर्न में क्या आ जाएगा कि उनको कितने मार्क मिले इसका, तो यहाँ रिटर्न करना है। जैसे आप रिटर्न करोगे तो उनको मैसेज चला जाएगा कि आपको इस असाइनमेंट के लिए आपको ये रिराइट करने के लिए बोला है, साथ ही साथ उनको क्या है कि 98 marks दिए है। जब आप वो रिराइट करके भेजेगी फिर एक बार तो यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा कि रिजॉल्व किया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है रिटर्न मल्टीपल सबमिशन, आप जैसे दूसरा सबमिशन आ जाएगा चेंज करके तो आप लोग इस जगह पे ऑप्शन कर सकते हैं रिटर्न मल्टीपल सबमिशन। अभी यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम जो भी रिटर्न कमेंट देनी है वो कमेंट या जो भी सबमिशन
किसी को और दूसरे लोगों को भी रिराइट करने के लिए बोलना है, तो आप लोग यहाँ अलग अलग बच्चे मतलब स्टूडेंट सिलेक्ट करके रिटर्न उनको मार्क दे सकते हैं। जैसे 90 मार्क देते, 3 लोगों को ही मार्क देते, तो उनको भी रिटर्निंग हो सकता है कि कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो अभी इन जो भी व्यक्तियों को हमने मार्क्स दिए वो सभी को ईमेल आई होगी कि आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग असाइनमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने क्लास की तरफ आते हैं, जो हमने मतलब असाइन किया था जो भी मार्क्स वगैरह। इस जगह पे आप लोग अलग अलग मल्टीपल असाइनमेंट, जैसे ये खुशबू जेटवाई, इन्होंने अगर कुछ असाइनमेंट दिया हो, हर एक का आगे आगे लेके हम लोग उनके मार्क्स और उनके असेसमेंट एक ही सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी फिर एक बार बताता हूँ कि जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं दिया, नो अटैचमेंट इस जगह पे देखने को मिलता है, जिसने अटैचमेंट अटैच किया उनको है। और इस जगह पे आपको ग्रेडेशन भी दिखाई देगा, जिनको मार्क मिले वो ग्रेडेड सेक्शन में गए हैं, जिन्होंने अभी तक असाइन ही नहीं किया, देखा ही नहीं, तो इनके नाम भी हमें पता चलता है। तो इन लोगों को सिलेक्ट करके, असाइन जिनको किया है, फिर इन लोगों को सिलेक्ट करके ग्रेडेड को, जिनको ग्रेड किया है, जिन्होंने सबमिट किया है, उनको छोड़ के हम लोग उनको क्या कर सकते हैं कि फिर एक बार ईमेल कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि ये इंफॉर्मेशन या ये जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट जल्द से जल्द करनी है। तो इस तरह से हम लोग असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। अभी एक देख सकते हैं कि ये जो असाइनमेंट थी केस नंबर 1, इसको देखो 6 लोगों ने असाइन अभी तक बाकी है उनका, 3 लोगों को ग्रेडेड दिए और 9 लोगों को हमने असाइन किया ना, ये सब जानकारी हमें यहाँ मिल सकती है। अभी हम लोग फिर एक बार अपने क्लास में जाते हैं, फिर क्लास वर्क में जाते हैं। अभी एक ऑप्शन है और एक क्रिएट में फिर जाते हैं। दूसरा है कि क्विज असेसमेंट, ये एक ऑप्शन है क्विज असेसमेंट, इसको हम लोग देखते हैं। क्विज असेसमेंट यानी क्या, अभी जो भी बारे में आप क्विज कर रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है कि क्विज आपको टाइटल देना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक टाइटल देना है आपको, इंस्ट्रक्शन जो जो भरनी है वो भरनी है। अभी जैसे आप क्विज असेसमेंट तरफ जाओगे तो यहाँ ब्लैंक क्विज आएगी, तो ब्लैंक क्विज जैसे ही आप आएगी तो आपको क्या करना है कि उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली ब्लैंक क्विज मतलब जो आपका गूगल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप क्रिएट करोगे आपको क्या करना है कि इसमें टाइटल देना है, जैसे हमने दिया था इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप अभी टाइम कंज्यूम मतलब टाइम के कारण मैं ये पूरा नहीं लिख, अभी आपको क्वेश्चन देना है तो आप यहाँ पहले नेम लिख सकते हैं, नेम एक ऐड कर सकते हैं। अभी तो नेम होने के बाद आपको अगर ऐड करना है व्हाट इज IEP, अभी ये ऑप्शन दिया है, सपोज मैंने लिखा कि यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं कि ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शन हमने दिए हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो सभी को गूगल पता है, जो भी राइट आंसर है उसको हमें क्या करना है कि आंसर की में जाके राइट आंसर को हमें क्या करना है, आंसर देना है। और यहाँ हमें क्या करना है कि जो भी जितने भी मार्क का क्वेश्चन है उसको ग्रेड करना है। यहाँ हम लोग फीडबैक भी दे सकते हैं उनको कि गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर को हम लोग एटो, ये इनकरेक्ट आंसर को बेस्ट लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम वगैरह, ऐसे हम लोग फीडबैक दे सकते हैं और डन करना है। अब जैसे ही आप ये
तैयार करोगे क्विज, ब्लैंक क्विज सॉरी, तो आपकी आपको क्या करना है, इससे बाहर आना है और फिर क्लास की तरफ हम लोग जाते हैं। जैसे ब्लैंक क्विज हमने दिए, अभी फिर सेम कौन से स्टूडेंट्स को हमें देनी है, ऑल स्टूडेंट्स को देनी है। अगर किसी एक ही स्टूडेंट को हमें क्विज देनी है या 10 लोगों, 10 9 में से 2 ही 3 ही लोगों को देनी है तो हम लोग दे सकते हैं। अभी यहाँ तो पूरे ऑल ऐसे ऑल स्टूडेंट्स को हम लोग करते हैं। ग्रेड कैटेगरी देखो, अभी ये रिटन टेस्ट है, प्रैक्टिकल है या ओरल टेस्ट है। तो रिटन टेस्ट सपोज हम लोग या प्रैक्टिकल बेस है, जो भी ग्रेड हम लोग लिख सकते हैं। सपोज प्रैक्टिकल हम लोग लिखते हैं, पॉइंट्स हमें कितने, 10 मार्क के लिए था तो 10 मार्क के लिए कई क्वेश्चन मैंने डाला था। ड्यू डेट आप दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था टॉपिक, कौन से टॉपिक के अंदर आपको ये करनी है। तो फिर सपोज मैंने टॉपिक नंबर 2 के, मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम लोग देते हैं, और फिर क्या करना है हमें, क्या करना है इसको असाइन करना है। जैसे आप असाइन करोगे सेम मटेरियल अभी मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जाएगा। फिर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ये जो क्विज थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, यहाँ आएगी इंक्लूसिव एजुकेशन गूगल फॉर्म। असाइन 9 लोगों को किया है, अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं, ये सभी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग गूगल फॉर्म में क्विज एक ऑप्शन का यूज करके भी क्विज क्रिएट कर सकते हैं। आप क्विज के द्वारा सर्टिफाई ईएम नाम का एक ऑप्शन देके आप ऑटोमेटिकली ऑटो सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो मतलब इस क्विज को सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए आप लोग ये ऑप्शन सर्टिफाई ईएम जो गूगल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस, तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस को भी यहाँ पूछ सकते हैं। हाउ आर यू टूडे, या हाउ आर यू, ऐसे एक मतलब क्वेश्चन पूछ के भी बच्चों को क्या कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी लिखने लिख, और फिर उसको क्या कर सकते कि आस्क, यहाँ आस्क ऑप्शन आया था है, क्वेश्चन पूछा तो फिर कैटेगरी आपको ये मार्क के लिए रखने हैं, अनग्रेडेड रखना है, क्योंकि इनफॉर्मल चर्चा है हाउ आर यू टूडे, या आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मतलब अभी जो कोरोना की स्थिति है तो आपके एरिया में कैसे कोरोना की स्थिति है, या आज हमारे मतलब पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आप लिख सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछने, या आज की मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है उनके बारे में आपके क्या विचार है या उनका क्या हाल है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के आप उनको कर सकते हैं। ये अनग्रेडेड किया या मार्क रखा तो भी चलेगा। ड्यू डेट आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, टॉपिक कौन से टॉपिक के अंदर आपको देना है, ये टॉपिक के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, और फिर आपको क्या करना है उसको आस्क पूछना। जैसे आप उसको पूछेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है कि नो ग्रेड कैटेगरी, आपने कुछ ग्रेड उसके लिए नहीं रखी है तो वो बोले फिर भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो मतलब इसके लिए कुछ ग्रेडेशन नहीं, इनफॉर्मली बच्चे जो है वो अभी मॉडल नंबर जाएंगे तो हाउ आर यू, ये जो है वो असाइनमेंट्स उनको मिल गए। तो इसको हम जैसे ही पूछेंगे तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे कि अपना अपना कमेंट देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि मतलब क्या क्या हाल, मतलब कैसे है वगैरह, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मटेरियल हमने देखा, क्वेश्चंस देखा, असाइनमेंट देखा, क्विज असेसमेंट देखा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉप मतलब है कॉन्सेप्ट वो है रूब्रिक्स। तो हम लोग फिर जाते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। अभी असाइनमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि केस नंबर 2 हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। अभी रूब्रिक्स के द्वारा कैसे असेसमेंट करना है ये हम लोग देखेंगे। तो जनरली इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन जो भी हमें देने हैं वो देना है हमें। अभी कुछ फाइल्स ऐड करनी है तो करना है, नहीं तो फिर हम लोग रूब्रिक्स को हमें क्या करना है कि फॉलो करना है। तो पहले रूब्रिक्स हमें तैयार करने हैं, सेमेस्टर, ऑल स्टूडेंट्स, कैटेगरी, फिर सेम ऑप्शंस आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन है लास्ट में रूब्रिक्स, तो रूब्रिक के ऊपर हमें क्या करना है कि क्लिक करना है। जैसे आप रूब्रिक करेंगे, अगर आपका पहले से क्रिएट किया होगा रूब्रिक होगा तो रीयूज रूब्रिक आएगा। अगर आपको इम्पोर्ट फ्रॉम शीट्स मतलब गूगल शीट में आपने इम्पोर्ट किया होगा या पहले से ही आपके पास कुछ होगा तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, या आपको क्रिएट रूब्रिक्स यहाँ करना है तो आप क्रिएट रूब्रिक्स कर सकते हैं।
सपोज हम लोग अभी क्रिएट रूब्रिक्स करते हैं, अभी मेरे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रूब्रिक्स है, उसको हम लोग देखते हैं कि ये एक बिजनेस रिलेटेड मैंने एक रूब्रिक्स डाउनलोड किया था नेट पर से, उसको ही हम लोग यूज करते हैं ताकि मतलब समय भी बचा रहे। मैं फिर एक बार चेक करता हूँ कि मतलब कुछ जानकारी मिल रही है सबको प्रॉपर। ओके थैंक यू सर, सबको आवाज भी आ रही है। अभी एक रूब्रिक्स है, आप एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट या टीचर्स है वो ग्रेड रूब्रिक्स कैसे तैयार करना या रूब्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करना ये जानते हैं। रूब्रिक्स में दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, एक तो सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट रिलेटेड रूब्रिक्स। जनरली रूब्रिक्स में एक तो कैटेगरी होती है, फिर ग्रेडेशन होता है मार्क्स मतलब जो रिमार्क्स और क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है। तो हम लोग पहले कैटेगरी लेते हैं, पहले कैटेगरी जो है सपोज ये तो बिजनेस कार्ड रूब्रिक्स है, हम लोग पहले कैटेगरी लेते हैं, पहले कैटेगरी लेना है टेक्नोलॉजी सपोज। मैं क्लिक करता हूँ, यहां से मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि यहाँ हमने रूब्रिक्स बनाया था। तो कैटेगरी हम लोग पहले क्राइटेरिया लिखते हैं, टेक्नोलॉजी ये हमने डाला, क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अभी कितने पॉइंट के लिए है, तो सपोज आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सपोज 4 मार्क के लिए ये क्राइटेरिया। टाइटल क्या है, तो टाइटल हम लोग सॉरी रूब्रिक्स ओपन होने तक हम लोग एक मिनट। ठीक है, तो ये जो है वो लेवल, तो एक्सलेंट को हम लोग 4 मार्क देने वाले, और एक्सलेंट में आपने क्या क्राइटेरिया लगाए, तो ये क्राइटेरिया यहाँ रहेगा कि आपने मतलब बिजनेस का जो पब्लिशर टेम्पलेट किस तरह से तैयार की है वगैरह, ये इसके क्राइटेरिया आपको इसमें रहेंगे। मैं ऐसे ही रैंडमली अभी पेस्ट कर रहा हूँ, आप आपके रूब्रिक जो भी है वो आप अच्छी तरह से तैयार करके कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ये एक्सलेंट में डिस्क्रिप्शन आएगा कि कौन से कंटेंट, अगर पब्लिशर टेम्पलेट्स में कौन से कंटेंट अगर दिया तो ये एक्सलेंट के 4 मार्क्स में। फिर आपको क्या करना है कि फिर ऐड करना है, अभी पॉइंट्स फिर आएंगे 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में लेवल आएगी, सपोज लेवल आपको एक्सलेंट के बाद गुड आपको देनी है। गुड देनी है और आपको क्या करना है उसका डिस्क्रिप्शन, गुड में क्या आपको गुड क्यों दे रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन, ये जानकारी है इसलिए हम लोग गुड दे रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग ऐड करके फिर अभी 2 मार्क, सेटिस्फैक्टरी को हम लोग देंगे और डिस्क्रिप्शन यहाँ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके करके हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी क्राइटेरिया ये हो गए कि टेक्नोलॉजी में ये 3 महीने तैयार किए। अभी मुझे और एक क्राइटेरिया सपोज करना है, टेक्नोलॉजी का क्राइटेरिया हुआ, अभी दूसरा मुझे क्राइटेरिया करना है, तो सपोज मुझे डिजाइन एंड कलर ये करना है, उनके बेसिस पे मुझे इवेल्यूशन करना है, तो ये मेरा क्राइटेरिया दूसरा रहेगा। फिर उसके लिए फिर 4 पॉइंट्स आएंगे, फिर सेम जो भी टाइटल था एक्सलेंट, सेम टाइटल के अंडर ही आएगी, तो सेम टाइटल्स रहेगा और डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, क्योंकि डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का अलग रहेगा और जो टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी के लिए था वो डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग रूब्रिक्स में अलग अलग, अभी तो पूरा पॉसिबल नहीं है करना, तो इस तरह से हमारा रूब्रिक्स
क्रिएट होने के बाद मैं इसे ग्रेड लिखता हूँ। ये हमारी तैयार हुई है। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं जनरली ऐसे ही डालता हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूब्रिक्स तैयार हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, 2, 3, 4 मार्क्स रखने हैं या डिसेंडिंग रखना है, पहले ज्यादा मार्क, 4, 3, 2 ऐसे, तो ये आपके ऊपर है और उसको सेव करना है। जैसे आपके रूब्रिक्स तैयार हो जाएंगे तो आपके पास रूब्रिक्स यहाँ दिखाई देगी। फिर अगर आपको कुछ लगता है कि रूब्रिक्स में कुछ गलती हुई है तो आप लोग गलती भी मतलब तैयार कर सकते। अभी तो हमने 2 ही रूब्रिक्स तैयार किए, तो हर एक रूब्रिक्स के लिए 8 मार्क है, तो 8 मार्क मतलब 4-4 का क्राइटेरिया रखा है, 4। अभी टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के अंडर आप ये करना चाहते हैं, तो सपोज मॉड्यूल नंबर 1 को असाइन करना है तो मॉड्यूल नंबर असाइन कर सकते। अगर आपको नो टॉपिक के ऊपर करना है तो आप डायरेक्टली असाइन कर सकते। तो असाइन हो जाने के बाद बच्चों को डायरेक्टली क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर केस आ जाए, ये हमने जो तैयार किए थे जिसमें हमने रूब्रिक्स तैयार किया था केस 2 का, तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये बच्चों को रूब्रिक्स के बारे में जानकारी लेनी है चाहिए या रूब्रिक्स के बारे में जानकारी कौन से बेसिस पे उनका इवेल्यूशन होने वाला है, यहाँ आप लोग केस की जगह पे रूब्रिक्स ऐसे डाल के भी आप लोग उसको सेव कर सकते हैं। तो बच्चों को भी क्या हो जाएगा कि रूब्रिक्स मतलब उनका ग्रेडेशन या कौन से माध्यम से ग्रेड उनका ग्रेडेशन होने वाला है ये पता चलेगा। तो इस तरह से रूब्रिक्स इस जगह पे आएंगे। अभी आप जो भी रूब्रिक्स पढ़ेंगे वो फिर उनको असाइन हो जाएगी कौन से बेसिस पे ये रूब्रिक्स को क्रिएट किया है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो सबमिशन किया था तो उनका ग्रेड रूब्रिक्स के बेसिस पे कैसे हम लोग उनका इवेल्यूशन कर सकते हैं, एक हम लोग देखते हैं केस 1 की में सबमिट हुआ था, तो व्यू असेसमेंट हम लोग फिर एक बार देखते हैं। अभी फिर सेम फाइल हम लोग यूज करके देखते हैं कि एक्चुअली ग्रेडेशन किस तरह से रूब्रिक्स के माध्यम से किया जा सकता है। जो भी फाइल ओपन होने तक हम लोग वेट करते हैं। अभी अभी देखो ये जो फाइल थी उसमें क्या किया था कि हमने तैयार किया था लेकिन उनको रूब्रिक्स के बारे में जानकारी नहीं दी थी, इसलिए इस जगह पे आपको रूब्रिक्स के द्वारा असेसमेंट ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप ध्यान में रखना है कि जो भी आप किसी भी मतलब कोई भी असेसमेंट या असाइनमेंट बच्चों को दे रहे हैं तब ये बात ध्यान में जरूर रखना है कि जो भी असाइनमेंट्स है उनको क्या करना है कि देते समय, जैसे अभी मैं फिर एक बार बताता हूँ कि उनको पहले ही रूब्रिक्स को उसको असाइन करो। जैसे ये मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन की मॉड्यूल नंबर 1 में दी थी, इंक्लूसिव एजुकेशन की एक असाइनमेंट दी थी, फिर मैं केस नंबर 1 ये असाइनमेंट दी थी, डिस्कस दी केस एंड गिव फीडबैक। अभी फिर एक बार मैं व्यू असाइनमेंट करता हूँ, इस जगह पे जाके मुझे क्या करना है कि अभी मुझे वो रूब्रिक्स को ऐड करना है जो भी मैंने तैयार किया था, उस समय मैंने तैयार नहीं किया था इसलिए मैंने इस असाइनमेंट को नहीं दिया। अभी जैसे मैं रूब्रिक्स को यहाँ क्लिक करूंगा तो रीयूज रूब्रिक्स ऐसे करूंगा, तो जैसे ही रियूज रूब्रिक्स करेंगे तो जो मैंने बनाया था रूब्रिक्स केस नंबर 2 के लिए तो वो सेम रूब्रिक्स हम लोग यहाँ ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा देखो 2 क्राइटेरिया रूब्रिक यहाँ आएगा और फिर मैं सेव कर सकता हूँ। तो सेव हो जाने के बाद अभी हम लोग सेम असाइनमेंट जो पहले
हमने रूब्रिक्स उसको नहीं दिया था, इसलिए हम लोग असाइन नहीं कर सकते थे। अभी सेम असाइनमेंट जो भी सबमिट किए हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूब्रिक्स के द्वारा हम लोग अभी देखते हैं केस वन में ये था, फिर हम लोग सेम जो भी सबमिशन था उसको हम लोग देखेंगे। ये सबमिशन हाँ जैसे ये सबमिशन था, हम लोग इसको ओपन करते हैं। जैसे ही फाइल ओपन हो जाएगी, फिर हमें अभी देखो फाइल ओपन होने के बाद पहले ये ऑप्शन अलग थे, अभी यहाँ क्या है कि रूब्रिक्स एक ऑप्शन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हमने रैंडमली मार्क्स दिए थे, 98 मार्क दिए थे जो इसको देख के हमने दिए थे। तब मैंने रूब्रिक्स जो थे, जो मैंने रूब्रिक्स के क्राइटेरिया उस असाइनमेंट्स को नहीं लगाए थे। लेकिन अगर उस समय नहीं लगाए लेकिन आपको फिर कभी लगाने चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको रूब्रिक्स अटैच करने हैं, तो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ रूब्रिक्स हो जाने के बाद देखो अभी टेक्नोलॉजी, जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करके टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपके पास एक ऑप्शन आए एक्सलेंट। एक्सलेंट में क्या डिस्क्रिप्शन है, गुड में क्या है, सेटिस्फैक्ट्री में क्या है। तो मुझे अगर एक्सलेंट क्लिक करना है तो मैं 4 मार्क इसके लिए एक्सलेंट करूंगा। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ इस जगह पे 4 मार्क्स देखने को मिलते हैं। अगर मुझे फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, डिजाइन एंड डिजाइन की तरफ जाना है, डिजाइन एंड कलर की तरफ, और मुझे लगता है कि इसको गुड देने, तो यहाँ 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूब्रिक्स के द्वारा हम लोग उनको एनरोल कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि पहले 8 out of 7 मतलब 7 मार्क्स रूब्रिक्स में उनको मिले, और फिर हम लोग उनको क्या कर सकते हैं कि फिर एक बार रिटर्न कर सकते हैं वो जो मार्क्स मिले थे पहले, प्रीवियसली 98 दिए थे, फिर रूब्रिक्स के द्वारा उनको 87% मतलब मार्क्स मिल गए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूब्रिक्स के द्वारा क्लास के मतलब किसी भी असाइनमेंट्स को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन थी कि जो रूब्रिक्स के द्वारा आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें से मैं आपको एक और एक जो रिसेंटली गूगल के अलग अलग फीचर्स कैसे मतलब ऐड करने, तो या असाइनमेंट्स गूगल के द्वारा कैसे कैसे देने, ये लास्ट दिखाता हूँ और फिर हम लोग यहाँ रुकते हैं। ऐड जैसे केस नंबर 3 हम लोग देते हैं उसको, और एक एग्जांपल भी मैं बताता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने कैसे मतलब उसको किया। ऐड बटन पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि गूगल ड्राइव में जाना है। जैसे आप गूगल ड्राइव में जाएंगे तो माई ड्राइव की तरफ जाओ, माई ड्राइव में जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक गूगल ड्राइव के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी, ये मैंने गूगल ड्राइव में बच्चों को एक असाइनमेंट दी थी। तो ऐसे गूगल ड्राइंग में जाके आप लोग अच्छे से तरह से मतलब बहुत सारे असाइनमेंट दे सकते हैं जिनके द्वारा आप बच्चों का इवेल्युएट हो सकता है। अभी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अगर दिखाना है तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स का दिखाता हूँ कि जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो किए हैं, मतलब ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर। ये मेरा ज्योग्राफी का क्लासरूम है और मैंने गूगल ड्राइंग के द्वारा कॉन्सेप्ट मैपिंग उनको सिखाया था कि कैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने जो भी काम किए हैं। ये बहुत इनोवेटिव, जैसे मतलब फ्लिपकार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट लर्निंग जैसे है, कामी है, या एडू पजल है, सुटोरी नाम का एक गूगल एक्सटेंशन हो रहा है,
इसका आप लोग इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आप बच्चों के मतलब असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने अब बच्चों के लिए दिया था कि आप गूगल ड्राइंग का इस्तेमाल करके आप अपने अपने रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी क्रिएट करो। तो एक मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये मैंने कोलेबरेटिव वर्क करने के लिए दिया था। हर एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि अपना अपना मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर कौन से आते, तो ये जो सीट थी गूगल ड्राइंग की, मैंने सबके साथ शेयर की थी। तो बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको मतलब कोलेबरेट करके अपने अपने जो भी कॉन्सेप्ट को जानते, जैसे किसी बच्चे को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में दिया था, किसी बच्चे को कल्चर सोशल, तो ऐसे अलग अलग गूगल ड्राइंग का इस्तेमाल करके मैंने वो असाइनमेंट्स दिया था। कुछ मतलब स्टूडेंट ने क्या किया था कि कोलेबरेट करने से ज्यादा खुद ही मतलब उसका इस्तेमाल करके, मतलब खुद के हिसाब से ही मतलब बहुत ही बेहतरीन कुछ गूगल ड्राइंग में कॉन्सेप्ट मैपिंग किया था। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिन्होंने बेस्ट वर्क किया है। नेटवर्क इश्यू थोड़ा होने के कारण मतलब ओपन नहीं हो रहा है। ये एक स्टूडेंट्स ने बहुत ही मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी को क्रिएट किया था। तो गूगल के बहुत सारे फीचर्स जो है, गूगल ड्राइंग है या गूगल डॉक जिसके द्वारा आप लोग बहुत सारे असाइनमेंट दे सकते हो, बहुत सारा वर्क आप लोग एट ए टाइम कर सकते हैं। ये देखो, एक मिस अनामिका जो थी, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बेहतरीन मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा उसने ये काम किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव एक्सटेंशंस का या क्रिएटिव गूगल के एप्स का इस्तेमाल करके आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हो। ऐसे गूगल मतलब क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जैसे आज हमने मतलब गूगल क्लासरूम के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, जिसमें हमने गूगल क्लासरूम को कैसे क्रिएट करना है, उसका यूज कैसे करना है, असाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करनी है, इन सब के बारे में हमने जानकारी